2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0, आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है, ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है, डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का, क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है, क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया, केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है, बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल पकड़ने पड़ते तब जाकर अरेस्ट करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ईडी पर भी हमला हुआ था, ईडी पर हमला तो छोड़ो भाई, अलग बात है। मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है, मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा देते हैं।